हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन पहले मैं बता दूँ, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते बहुत ही चमत्कारी पत्ते हैं। अगर आप इस पत्ते का उपयोग अपने डाइट में शामिल करते हैं ना, तो बहुत सारी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर होते हैं, जैसे मोटापा होते हैं, बहुत लोग वेट लॉस के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं कि किस तरह से हमारा वेट लॉस कम हो जाए। अगर इस पत्ते का आप सेवन करेंगे ना, तो आपका वेट लॉस भी होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, डायबिटीज भी आपको नहीं होगी, और साथ साथ जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना, उससे भी बचे रहेंगे। जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी बहुत ही लाभकारी होती है। लगभग इसके फायदे 300 बीमारियों का इलाज करते हैं। इसे हम सहजन के पत्ते कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोरिंगा लीव्स कहते हैं, और ये बहुत ही फायदेमंद पत्ते होते हैं। आप इसे जरूर अपने डाइट में शामिल करें, और किस तरह से करना एक मैं रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, जिसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके चीले बनते हैं, इसकी दाल बनते हैं, इसके पराठे बनते हैं, और इसके सूप भी बनते हैं, और इसकी ड्रिंक भी बनाकर आप तैयार कर सकते हो। रोज सुबह अगर इसका ड्रिंक आप लेते हैं ना, जैसे नींबू पानी और शहद के साथ लेते हैं, तो उससे 10 गुना फायदा करता है इसका ड्रिंक। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसके पत्ते तोड़ रही हूँ। मोटापे के लिए सहजन बहुत ही फायदेमंद करता है। अगर आप मोटापे या बढ़ते वजन से समस्या से परेशान हैं, तो आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। अपनी हरी सब्जियों की लिस्ट में सहजन के पत्ते को जरूर शामिल करते हैं। वजन जो बढ़ते हैं ना, उनके परेशानी से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। दरअसल इसमें क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है, जिसमें एंटीजेनिक यानी एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद रहते हैं, जिससे मोटापे या वजन की परेशानी से लड़ने में मदद मिल सकती है। आप इसे एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, और साथ में जैसे लीवर के लिए भी सहजन बहुत ही फायदेमंद करता है। गलत खान पान और जीवन शैली पे भी लीवर पे बहुत ही असर पड़ते हैं। हृदय को ये स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर होते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं खाएं। लो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नहीं खाना है इन्हें दोस्तों। हड्डियों के लिए भी सहजन बहुत ही फायदेमंद करते हैं। जैसे जिन्हें गठिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो भी सहजन का उपयोग करके उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। साथ में मैं आपको इसके फायदे भी बताती रहूंगी। यहाँ पे हमने एक कटोरी इडली वाले चावल लिए हैं, इसे हम ले लेते हैं, और आप देख सकते हैं इस सहजन की फली या सहजन के पत्ते में कितने सारे गुण हैं। दूध से 17 गुना इसमें कैल्शियम होती है, पालक से 25 गुना आयरन होती है, संतरे से 7 गुना विटामिन सी, केले से 3 गुना पोटेशियम, और गाजर से 10 गुना बीटा कैरोटीन होती है। तो सोच लीजिए दोस्तों कितना फायदेमंद है। साथ में यहाँ पे मैंने अरहर की दाल ली है, जी हाँ, 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे अरहर की दाल लेंगे। मैं आपको एक चीज और आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे दाल हम यूज कर रहे हैं ना, तो अगर आपको सॉफ्ट चाहिए चीला ना, तो आप यहाँ पर दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए तो चावल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे मैंने चने की दाल भी ले ली है, जी हाँ, चने की भी दाल हम यहाँ पे एक चम्मच बड़ा चम्मच यहाँ पे लिया है, 1 बड़ा चम्मच अरहर की दाल और 1 बड़ा चम्मच चने की दाल ले लिए हैं। यहाँ पर हम एक लाल मिर्ची ले लेते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। जैसे ये कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, ये कंट्रोल करता है यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, क्योर्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन है, रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट है, कंट्रोल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल को करता है, रिलीफ फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, प्रोटीन रिच होती है ये, और साथ में ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, सारी गंदगी को बाहर निकालता है, और बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर आपका शरीर डिटॉक्स होगा दोस्तों, तो आपकी इम्यूनिटी पावर ऐसे ही बढ़ जाती है। तो आप इसे अपने खाने में जरूर शामिल करें। तो इन दालों को, चावलों को अच्छी तरह से पहले हम वॉश कर लेते हैं। राजीव दीक्षित जी ने भी इसे बताया है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी है। विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज्यादा, विटामिन सी संतरे से 10 गुना ज्यादा, विटामिन B6 मांस से 2 गुना ज्यादा, कैल्शियम दूध से 5 गुना ज्यादा, पोटेशियम केले से 4 गुना ज्यादा, आयरन पालक से 25 गुना ज्यादा, यानी 300 बीमारियों से ज्यादा बीमारियों का इलाज करता है। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी शरीर में पड़ी हुई जमी गंदगी को ये बाहर निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म ये करता है, दिल की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आपको बॉडी
अंदर से साफ होगा तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाती है, यानी कि इम्यून बूस्टर भी ये है दोस्तों सहजन की पत्तियां। तो इसे अपने खाने में जरूर शामिल करें। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने करी पत्ते भी डाल दिए हैं और ये मिर्ची भी डाल दिया है। 4 से 5 पानी से इसे अच्छे से धोएं। इस पानी को दोबारा हम ड्रेन नहीं करेंगे, उतना ही पानी डालें जितने ये अच्छे से फूल जाए। 2 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। और साथ में यहाँ पे हम यहाँ हींग डाल देते हैं 1/4 चम्मच। पानी ड्रेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम हींग डाल रहे हैं तो इसका फ्लेवर इसमें बना रहे। खाने में सुपाच्य हो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जैसे इसमें हमने चावल डाला है इसलिए। अब ये देखिए इसे हम मिक्स कर देते हैं और 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आगे बताती हूँ कि सहजन की पत्ती को इसमें किस तरह से मिक्स करें और किस तरह से इसे बनाएं। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद, बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरह से सहजन की पत्ती को इसमें मिक्स करके आप इसे चीले बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं और रेसिपी शेयर करूँ सहजन की पत्ती से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एक चीज और बता दो, सहजन की पत्ती जो डाली लाते हैं ना तो पहले उसे वॉश कर ले। तो मैं क्या करती हूँ कि जो टब होते हैं ना उसमें पूरी डंठल को यानी शाखा को ही मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पानी से, और उसके बाद इसे मैं सुखा लेती हूँ, यानी कि पंखे के नीचे रख देती हूँ, उसकी पूरी डंठल ही सूखती है, उसके बाद पत्ते तोड़ती हूँ। क्या होता है ना कि आप इस तरह से पत्ते को तोड़ने के बाद अगर इसे पानी से धोते हो ना तो क्या होता है, हाथों में चिपक जाते हैं और उसकी साग जो होती है ना अच्छे से बारीक इस तरह से कटती नहीं है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसे पहले अच्छे से वॉश कर ले, फिर उसका इसे सुखा ले पंखे के नीचे, उसके बाद कट करें तो बिल्कुल हाथों में नहीं चिपकती और बहुत ही बारीक इस तरह से कट भी जाती है। तो इसी तरह से हम बारीक इसे कट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ये मोटापे में। जी हाँ, अगर आपका फैट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही कारगर और फायदेमंद है दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फूल गया। एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं पानी सहित। आप देख सकते हैं थोड़ा ही पानी है इसमें, ज्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया था, फूल भी गया है और ये सारा पानी भी ऐड कर देते हैं और इसे हम एक पेस्ट की तरह से ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ पेस्ट के रूप में ग्राइंड कर लिया है। साथ में लगभग 1 से 2 मुट्ठी यहाँ पे जो हमने बारीक काटे थे ना पत्ते, उसे हम डाल देते हैं। एक चीज और शेयर करूंगी कि ये नहीं कि आप एक ही पर्व में ज्यादा खा लें, इसकी क्वांटिटी भी कम रखनी है एक दिन के हिसाब से। ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपको ये नुकसान कर सकते हैं। तो 1 से 2 मुट्ठी आप इसे डेली अपने डाइट में यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। तो देखिए इसमें हमने इसे डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हमने नमक नहीं डाला था तो इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक कम क्वांटिटी में ही हम डालेंगे। साथ में हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसके कलर के लिए बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में जीरा डाल देते हैं या अजवाइन डाल दीजिए, कोई भी मसाले हैं आप इसमें डाल दें, और कोई मसाला नहीं डालें, ऐसे ही बहुत ही अच्छे लगेंगे। मिक्स करते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। नॉनस्टिक पैन लिया है ताकि कम तेल का यूज हो। तो ये देखिए हमने ब्रश कर लिया है, थोड़ा सा ही ऑयल इसमें डाल दिया है और इसी में हम चीला बनाकर तैयार भी कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे रख दिया हमने मीडियम और ये बैटर हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको मोटा खाना है यानी थोड़े से मोटे में चीले, तो आप इसे मोटे बना सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़े से पतले बनते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चावल इसमें डले हैं तो क्रिस्पी जो बन जाते हैं ना चीले, तो बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से इसे हम फैला देते हैं। आप इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए बीच में मैं इसे होल थोड़ा सा कर दे रही हूँ। अगर आप साउथ में जाओगे ना तो इसे अडई कहा जाता है, यानी कि सहजन के पत्ते से जो अडई बनती है ना, यानी चावल इसमें डाला है ना, तो वो वहाँ खाए जाते हैं। बहुत लोग पसंद इसे करते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं, दालों में डालते हैं, सूप बनाते हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम कुक कर लेते हैं और दोनों तरफ इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसे हमने पलट दिया, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और ये लीजिए हमारा चीला बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। उलट पुलट के इस तरह से हमने क्रिस्पी कर लिया है इसे। चलिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत ही मजे का लगता है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। गर्मा गर्म चीले बहुत ही अच्छे लगते हैं। अक्सर आप बेसन के चीले खाते होंगे तो उसमें पालक के पत्ते डालते हैं, तो इस तरह के अगर आप चीले बना के खाएं सहजन के पत्ते के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही मजेदार लगता है। और इस तरह से बीच में होल कर दें, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल। इसे मैं तोड़ रही हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट पत्ते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो फिर